नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आप सभी का एक बार से स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे दोस्तों मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? सभी जल्दी से जल्दी, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों कुलदीप जांगिड़ की तरफ से। सभी ऑनलाइन आ गए दोस्तों, सभी को दोस्तों मेरी तरफ से वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आनंद ले रहे हैं दोस्तों आप क्लास का, सभी एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। मुझे पता है सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और ऐसे एंजॉय लेते रहे दोस्तों क्लास के बारे में। अपन बात कर रहे थे दोस्तों, क्लास पे आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं अपन। अपन बात कर रहे थे दोस्तों मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान के बारे में जो है अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? बाल्य अवस्थाओं के बारे में। आपको पता है अपन अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, काफी लंबा 4-5 क्लास लग चुकी है अवस्थाओं में, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। बात यहाँ अवस्थाओं की नहीं है, बात है दोस्तों जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो संज्ञानात्मक सिद्धांत में भी आता है। ये अवस्थाओं की बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी आपने भी पढ़ा होगा अभी तक रियलाइज करा होगा दोस्तों, आपने जितनी भी क्लासे लगी होगी उनमें पता लगा होगा कि क्वेश्चन यहाँ अवस्थाओं से नहीं, साइकोलॉजी में 20 क्वेश्चन बन सकते हैं जो अवस्थाओं से नहीं इस टॉपिक से आते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और आपको पता होगा दोस्तों इजीली अपन याद भी कर रहे हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं, और ताकि अपन इजी बना सके, आसान बना सके, यही अपन को मैटर चाहिए और यही अपन को जानकारी। जितनी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दूं उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मनोविज्ञान आपको पता है लिखने का या रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, रटने का तो है ही नहीं बिल्कुल ही, समझने का सब्जेक्ट ज्यादा है। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों उस पर ही आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों? सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो जो सब ऑनलाइन आ चुके हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो प्लीज। आप वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों, अपने दोस्तों को देखेंगे तो वो भी देखेंगे क्लास दोस्तों, और हमारा उद्देश्य ये है कि आप निःशुल्क सेवा दे रहे हैं दोस्तों, और हम आपका काम एक ही बनता है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके भी फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा बने, और जो है अपने कॉम्पिटिशन के जो लगे हुए हैं वो एक ही साथ वीडियो को देखें, ठीक है दोस्तों? पिछले वाली बात करें दोस्तों अपन, तो पिछले वाली क्लास में दोस्तों अपन ने बात की थी बाल्य अवस्थाओं के बारे में, और उसमें मैंने आपको विशेषताएं और परिभाषाओं के बारे में आपको बता दिया था। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्तों। उपनाम के बारे में अपन ने बात की, सारे उपनाम मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे दोस्तों, और एक एक का मतलब भी समझाया था। इसके बाद मैंने परिभाषा याद करवाई, आपको जरूर परिभाषा याद हुई होगी दोस्तों, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी जिस दिन मैंने परिभाषाएं पढ़ाई थी। उसके बाद दोस्तों विशेषताएं पढ़ी, विशेषताओं का और भी ज्यादा मजा आया होगा दोस्तों, आपको सारी विशेषता याद हुई होगी। आया कि नहीं आया दोस्तों मजा? आप तो ये बता दो क्लास कैसी लग रही है बस, बाकी और मैं देख लूंगा, बाकी मेरे को आपके अंदर दिमाग में क्या बिठाना है, क्या ठिकाना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से खेत में, कौन कौन से बीघा के खेत में कौन कौन से बीज डालने हैं, मैं डाल दूंगा वो, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये मेरी टेंशन है कुलदीप जांगिड़ की। आप तो मुझे खेत दे दो 2 बीघा का, अपना दिमाग जो 2 बीघा का दिमाग है ना वो दे दो बस, इसके बाद की बात में सारी मैं कर लूंगा। मेरे को पता है दोस्तों कहाँ पे कौन सी फसल बढ़िया उगेगी और कौन सी मिट्टी डालनी, कौन सा बीज डालना है, ये सब पानी कितना देना है सब मैं बताऊंगा और सब मैं करूंगा दोस्तों, ठीक है ना? आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस हिसाब से स्टडी करनी है दोस्तों, और उस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्लास में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो दोस्तों मुझे, नहीं है तो आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों? अपन बात कर रहे थे यहाँ पर बाल्य अवस्था के बारे में। बाल्य अवस्था, ठीक है दोस्तों, अपन ने जितनी भी विशेषताएं पढ़ी, जैसे शेष अवस्था में विशेषताएं पढ़ी थी, ऐसे ही बाल्य अवस्था में विशेषताएं पढ़ेंगे। लेकिन जो बाल्य अवस्था विशेषताएं पढ़ेंगे, तो जैसे शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता, मानसिक विकास, सॉरी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो उनको भी लेके चलेंगे। जैसे शेष अवस्था की अपन ने बात की थी, शेष अवस्था में अपन ने बात की और शेष अवस्था में बताया कि बच्चा जन्म होता है, जैसे बालक का जन्म होता है तो उसकी लंबाई कितनी रहती, उसका वजन कितना रहता है, उसका मानसिक विकास कितना होता है, उसमें संवेगात्मक विकास कितना होता है, ऐसे ही बाल्य अवस्था में अपन बात करेंगे। शारीरिक विकास की बात करेंगे, सामाजिक विकास होगा कि नहीं होगा, नैतिक विकास होगा कि नहीं होगा, संवेगात्मक विकास में संवेगों में क्या परिवर्तन होंगे, ये अपन सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों? बाल्य अवस्था में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी पढ़ानी है आज की क्लास वाला। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल डायरेक्ट दोस्तों एक सीढ़ी चढ़ी उसके बाद दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ो और मैं 10वीं सीढ़ी पे आपको चला गया, बाकी 9 सीढ़ियों में कुछ ना कुछ तो होता है दोस्तों। झाड़ू निकालते हैं अपन तो एक सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी पे नहीं जाते दोस्तों, झाड़ू तो निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना दोस्तों, एक सीढ़ी का निकालने से सारी 16 जितनी भी सीढ़ियां रहती उनका झाड़ू नहीं निकल जाता, वो तो सबके झाड़ू तो सबके लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चाहे आप कम ज्यादा करो लेकिन लगाना जरूर, झाड़ू टच तो जरूर करना पड़ेगा आपको। तो अपन टच कर लेते हैं यहाँ पर, बस इतनी सी बात करेंगे। देखो
बात कर रहे हैं अपन बाल्यावस्था की। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अपन शारीरिक विशेषताओं के बारे में, शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, शारीरिक विकास के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों शारीरिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर बात करें कि बाल्य अवस्था में बालक की गति कैसी रहती है। दोस्तों सबसे पहले गति की बात करते हैं, मंद रहती है। मंद की मतलब क्या होती है दोस्तों? धीरे, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो है क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, यानी कि शारीरिक विकास होता है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें दोस्तों लंबाई के बारे में, अपन बात करते हैं यहाँ पर लंबाई के बारे में। डायरेक्ट मैं आपको लंबाई पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लंबाई के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम अपन लंबाई की बात करते हैं तो शेष अवस्था में जितनी फास्ट लंबाई बढ़ती है, जैसे एक साल में, दो साल में जितनी जल्दी से बढ़ता है, वो 4-5 इंच, 10 इंच जो है वो बढ़ती रहती है, उस स्पीड से या उस गति से दोस्तों जो है बाल्यावस्था में नहीं बढ़ती, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, मंद बढ़ती। किशोर अवस्था में ये गति वापस क्या हो जाती है दोस्तों? तीव्र हो जाती है। वैसे ही बात कर ले दोस्तों लंबाई की बात करें दोस्तों, जैसे ये बालक रहा, ठीक है, और ये बालिका रही, ठीक है दोस्तों, दोनों आपको अंतर पता चल गया होगा, ये बालक है और ये बालिका है। बिल्कुल मैं ऐसे ही बनाऊंगा दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा कि कंफ्यूज नहीं हो गया, आपकी बालक बालिका में कंफ्यूज हो गए, लगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, अच्छी ड्राइंग है ना। ये बालिका है दोस्तों और ये बालक है, ये आप हो और ये बालक है, ये बालिका है, ये आप हो दोनों ही। मुझे क्या पता दोस्तों ऑनलाइन लड़कियां भी देख रही है या लड़के भी देख रहे, पता नहीं मुझे। ठीक है दोस्तों, तो आप बालक बालिका की बात करते हैं। अब लंबाई की बात हुई दोस्तों, इस लंबाई की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि ये बालक है और ये बालिका है। अब बात करें दोस्तों यहां पर, सुनना आराम से, आपको पता होगा दोस्तों प्रारंभ में और अंत में। यहां पर लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, ये लिखा मैंने प्रारंभ, प्रारंभ लिखा यानी कि 6 वर्ष, और अंत लिखा दोस्तों मैंने, अंत लिखा यानी 12 वर्ष, क्योंकि आपको पता है बाल्यावस्था की जो एज बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 6 से 12 वर्ष। कितनी बताई गई है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष। यहीं पर याद हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना आप। लंबाई की बात करें प्रारंभ में 6 वर्ष और बालक में। अब प्रारंभ अपन बात करते हैं बालक का प्रारंभ और बालिका का प्रारंभ, और अंत भी बात करेंगे अपन, बालक का अंत और बालिका का अंत। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, नोट लगा के यहां लिखता हूं कि वृद्धि कितनी होती है दोस्तों, हर वर्ष वृद्धि हर वर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 सेंटीमीटर जो है लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, यानी कि एक साल में 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ेगी, दूसरे साल में 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ेगी, यानी कि बहुत कम कम बढ़ रही है। जैसे शेष अवस्था में दोस्तों इंचों में बढ़ती थी, यहाँ पे सेंटीमीटर में दोस्तों बिल्कुल कम बढ़ रही है, और ये लंबाई शेष अवस्था के अकॉर्डिंग बिल्कुल मंद है। अब बात करते हैं यहाँ पर बालक और बालिका के। आपने जनरली देखे होंगे बच्चे, बालक जो रहते हैं प्रारंभ में, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रारंभ में, प्रारंभ में बालक की लंबाई क्या रहती है दोस्तों? हाइट ज्यादा रहती है, और बालिका की क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और अंत का समय आ जाता है 11-12 वर्ष का, या 12-13 वर्ष का अंत आ जाता है, तो आपने देखा होगा बालिका की लंबाई ज्यादा, यानी कि बालिका दिखने में मैच्योर ज्यादा लगने लग जाती है, लगती है ना दोस्तों? आप पता होगा दोस्तों सेम एज के बच्चे रहते हैं, 10 या 12 साल के बच्चे रहते हैं, लेकिन आप लड़की को देखोगे दोस्तों तो लड़की 16-17 साल की लगती है, कह ही नहीं पाता कि दोस्तों, क्योंकि इतनी मैच्योर, शारीरिक विकास इतना हो जाता है दोस्तों उसमें कि वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, हर जगह से शारीरिक विकास क्या है दोस्तों, अंत में बालिका का ज्यादा लगता है अकॉर्डिंग टू बालक के। यानी कि अपन यहाँ पर लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में बात करें दोस्तों तो बालक की लंबाई प्रारंभ में कम रहती है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इधर देखो प्रारंभ और अंत, प्रारंभ में बालक ज्यादा रहता है लंबाई में, लंबाई ज्यादा,
और बालिका की कम रहती है। और जैसे जैसे अंत यानी कि उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है दोस्तों, जैसे 12 साल में आया तो अंत में बालक की लंबाई क्या होती है, कमी आ जाती है बालक की लंबाई में और बालिका वृद्धि आ जाती है, यानी कि ज्यादा बड़ी दिखती है बालिका अकॉर्डिंग टू बालक के। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जैसे इनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई दोस्तों 138.2 इंच के लमसम रहती है और इनकी लंबाई बालक की बालिका की लंबाई रहती है 139.3 इंच के लमसम। सेंटीमीटर में दोस्तों भूलना नहीं, ठीक है, ये इतनी लंबाई रहती है। यानी कि दोस्तों मैंने ये जो लिखा ना, इस पूरे का मतलब ये है कि बालक की लंबाई की अपन बात कर रहे हैं, प्रतिवर्ष हर वर्ष जो है बालक और बालिका की लंबाई कितनी बढ़ती है दोस्तों, 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। जैसे जैसे प्रारंभ आता है फिर अंत आता जाता है, जैसे बाल्यावस्था निकलती जाती है 12 वर्ष की आती है, तो बालिका लंबी ज्यादा दिखती है किसके अकॉर्डिंग, बालक के अकॉर्डिंग। और प्रारंभ के समय की बात करें दोस्तों तो बालक पहले ज्यादा बड़ा दिखता है और बालिका छोटी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बालिका लंबाई बढ़ती है, यानी कि लंबाई में ज्यादा वृद्धि किसकी हो रही है दोस्तों, बालिका की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये हुई किसकी दोस्तों, लंबाई की बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों आपको इस लंबाई में, कोई किसी को कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार से संबंधित शारीरिक विकास से, कोई क्वेश्चन है अभी तक पढ़ाया जिसमें, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट में बोल सकते हैं दोस्तों, मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं हो तो अपन आगे बढ़े आगे लिख लो इसको पहले आप। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं, अरे मिटा दे भाई, मिटा दे तो भाई, लो मिटा दिए, बालक बालिका को मिटा दूं या इनको दिखने दे। आपने सभी ने चित्र बनाया दोस्तों, चित्र भी बना लिया करो, अच्छे लगते हैं ऐसे, याद जल्दी होता है। अब देखो इधर बात करते हैं दोस्तों अपन इसकी हड्डियों के बारे में। हड्डियां, मांसपेशियां, श्वसन दर, तीन चीजों की अपन यहां पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हड्डियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मैंने पिछले वाली क्लासों में, आप वीडियो देख सकते हैं हमारे दोस्तों, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मेरी पिछली क्लासों के वीडियो वहां पर उपलब्ध है, कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, जो जीवन पर्यंत है वो वीडियो, जब तक यूट्यूब जिंदा रहेगा जब तक वो लिंक बने रहेंगे वहां पर, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, नहीं हटाएंगे अब आपके लिए उनको, निःशुल्क है दोस्तों। सामान्य ज्ञान ग्रुप में कोई लालच नहीं है दोस्तों कि आपको पैसे या जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो लिंक हटा देंगे आपके लिए, नहीं हटाएंगे दोस्तों। अगर हमारे कभी प्लान हुआ दोस्तों ऐसा करने का तो वो अलग मैटर रहेगा दोस्तों, और ये अलग मैटर रहेगा, लेकिन आपके लिए नहीं हटाएंगे उनको। तो आप वहां पर लिंक पर जाइए, क्लास का नाम आ जाता है, उस क्लास में देखिए। तो आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों कि मैंने शेषव अवस्था में कितनी हड्डियां बताई थी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अभी पूछे कैसे भी पूछ सकता है, पहले वाले एग्जाम में, टेट के एग्जाम में, यूपी टेट में, टेट में, सी टेट में पूछे गए एग्जाम में कि हड्डियों की संख्या कितनी रहती है। चलो बताओ, अपनी बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो अपन बाल्यावस्था में हड्डियां कितनी रहती है दोस्तों, 350, कितनी रहती है दोस्तों, 350। और यहीं पर मैं नोट लगा देता हूं दोस्तों, आप मुझे बताइए शेषव अवस्था में कितनी रहती है दोस्तों, कितनी रहती है दोस्तों शेष अवस्था में, 270। और किशोर अवस्था में कितनी रहती है दोस्तों, 206। ठीक है दोस्तों, ये हुई हड्डियों की बात, यानी कि आपको याद क्या रखना है दोस्तों, 350 कहां पर, बाल्यावस्था में। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, दशहरे का मेला लगा हुआ था, मैदान तो वही है, मैदान क्या लगेगा। तो एक बार क्या हुआ था दोस्तों कि दशहरे का मेला लगा हुआ था, तो वहां पर मैं गया, तो एक बार घूम रहे थे, लेते तो कुछ है नहीं, घूम रहे थे तो वहां पर एक कंपटीशन का पता चला, तो मुझे कंपटीशन लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर साइंस की क्लासे लगी हुई है, और जो आंसर देगा उसको एक गणेश जी की मूर्ति और पर्स मिलेगा,
क्या मिलेगा, पर्स मिलेगा। तो मैं भी चला गया, मेरे पापा और सब थे, फैमिली थे हम। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ कि अपन जैसे जा रहे थे, हम जा रहे थे भाई, कुछ लेना तो ही नहीं, चले गए। वहां पे जाते दोस्तों मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे गणेश जी की मूर्ति और एक पर्स मिला था, क्योंकि मैंने आंसर लगभग लगभग राइट बता दिए थे विज्ञान के। तो हुआ क्या दोस्तों, वहां पर मुझे दो क्वेश्चन पूछे गए थे मनोविज्ञान के, एक श्वसन दर वाला और एक हड्डियों वाला। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हड्डियां मैंने गलत बता दी थी। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा था कि शेष अवस्था में कितनी हड्डियां होती है, तो मैंने 350 बता दी थी, तो मेरा गलत हो गया था देखो, जबकि मैं रीट की तैयारी कर रहा था उस टाइम। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस सब्जेक्ट की या जिस कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करते हो उसके बारे में तो कम जानकारी रहती है, लेकिन अदर कॉम्पिटिशन, जैसे आपके पास कॉन्स्टेबल का बच्चा आएगा तो आप है ना ऐसा बताओगे कि कॉन्स्टेबल तो मैं दूना तो मैं 2 मिनट में फाइट कर दूं इसको। लेकिन जैसे आप रीट की बात आएगी ना, तो यार रीट की तो मैं खुद कर रहा हूँ ना, रीट की मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे क्या पता रीट में कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है। दूसरों का ये तो इंडियन कल्चर में आता है, दूसरों पे ज्यादा फोकस करना, दूसरा क्या कर रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देना, अपन क्या कर रहे हैं, मैं कैसे लाइफ जी रहा हूं उस पे कम ध्यान देना है। लेकिन मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या खा रहा होगा, अभी मेरा पड़ोसी जो है उनका बच्चा क्या कर रहा होगा, उनके बच्चे को पढ़ाई कहां से करवा रहे होगी, ये तो शुरू से ही रहा है, कॉम्पिटिशन में भी यही रहा है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आप फर्स्ट ग्रेड वाला क्या बोलेगा, थर्ड ग्रेड तो मैं देता ही नहीं हूँ यार, थर्ड ग्रेड तो मुझे लगना ही नहीं है, नहीं तो मैं तो एक ही बार में निकाल लूँ उसको और नहा धो के वापस है ना थर्ड ग्रेड में आ जाता है वो हार के, होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई मोटिवेट के, आप सीखते रहना दोस्तों, ऐसे ध्यान देते रहा करो बीच बीच में। ठीक है दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर हड्डियों के बारे में, 350, 270, 206, और ये कम ज्यादा कैसे हो जाती है दोस्तों, ये विज्ञान का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लासों में कि कैसे क्या हो जाती है, हड्डियां कम ज्यादा क्यों हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों की बात करें, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है दोस्तों, तो बाल्यावस्था में मांसपेशियां कितनी हो जाती है दोस्तों, मुझे जल्दी से बताइए, 27%, यानी कि पूरे शरीर में जो है 27% भाग क्या रहता है दोस्तों, मांसपेशियां रहती है, क्या भाग रहता है दोस्तों, मांसपेशियां रहती है। और बात करें दोस्तों शेष अवस्था में और किशोर अवस्था में, तो आप मुझे बताइए दोस्तों कितनी रहती है शेष अवस्था में और किशोर अवस्था में, बताइए जल्दी से जल्दी। बाल्यावस्था की मैंने लिख दी है दोस्तों 27%, अब मुझे, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों ये गलत बात है, आप बताते नहीं वो आंसर, एक तो जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए दोस्तों आपका, शेष अवस्था में कितनी थी दोस्तों, 23%। अगर आपको 23% नहीं मिलता है, 25% मिलता है, कितना, 25%। अगर एग्जाम में मान लो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना है, 23% को, अगर वहां नहीं हुआ 25 आ जाए तो आपका राइट आंसर 25 होगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है 23। किशोर अवस्था में दोस्तों होता है कितना, 47%, यह फैक्ट है, अगर आपको इसके अलावा कहीं दूसरे देखा हो आपने तो गलत मान लेना उसको, और यहां पर आता है 27%। बात करते हैं श्वसन दर की, एक मिनट में कितनी श्वसन दर होती है दोस्तों, लगभग 110 से 90 प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि अगर औसत की बात करें, अगर एग्जाम में औसत आ जाता है दोस्तों तो वो आएगा लगभग 100 बार। और ये श्वसन दर नहीं है, श्वसन दर नहीं है, ये है धड़कन दर, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन, हृदय धड़कन की बात कर रहे थे अपन यहां पर, 110 से 90 यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो 100 प्रति मिनट, यानी कि धड़कन कितनी बार धड़केगा, 100 बार धड़केगा एक मिनट में। और ये किशोर अवस्था में कितना हो जाता है, 72 बार हो जाता है। अब मुझे शेष अवस्था में आप मुझे कमेंट चाहिए, अभी के अभी मुझे आपके कमेंट चाहिए, मुझे जानना है दोस्तों, मैं भूल चुका हूं कि शेष अवस्था में जो है हृदय धड़कन कितनी होती है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, मुझे नहीं पता है दोस्तों ये आंसर, और मुझे किसी ने पूछा है दोस्तों, 10 रुपए मुझे जीतने की कोशिश कर रहा है वो, मुझे बताइए जल्दी से जल्दी आप कितनी होती है दोस्तों, मुझे याद नहीं है दोस्तों, मैं बिल्कुल भूल चुका हूं, आप मुझे बताइए दोस्तों शेष अवस्था में कितनी बताई थी मैंने, मेरी बताई हुई चीजें दोस्तों मुझे वापस लौटा दो एक बार। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी, हड्डियों के बारे में, 350 होती है मांसपेशियां, 27% होती है, धड़कन हृदय धड़कन होती है 110 से 90 यानी कि लगभग 100 बार। आ गया दोस्तों समझ में, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, अगर क्लियर है दोस्तों तो आप इसको लिख लीजिए, और नहीं है क्लियर तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे अपन आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटाते हैं।
हाँ पापा, हाँ बोलो। नहीं वीडियो बना रहे हूँ। हाँ, अब जा रहे 15-20 मिनट। ठीक है, मिटा दो दोस्तों। दोस्तों कॉल आ गया था इसलिए मैं कॉल अटेंड करने लग गया था। दोस्तों कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आखिरी क्लास इतनी लंबी नहीं लगेगी। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ जाती है कभी, संबंधित प्रॉब्लम है दोस्तों, घर बार वाले लोग हम तो आ जाती है। दोस्तों देखो, अब 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद बात करें दोस्तों अपन, तो दूध के दांत टूटने लग जाते हैं और बाल्यावस्था में दोस्तों क्या हो जाता है, यह दांत स्थायी हो जाते हैं, बताया था ना दोस्तों आपको कि दूध के दांत आते हैं दोस्तों शेष अवस्था में, लगभग सभी दांत टूटते हैं और जो इसके बाद जो बाल्यावस्था में दांत आने शुरू हो जाते हैं वो स्थायी हो जाते हैं दोस्तों, वो बाद में टूटते नहीं। अगर टूट गए तो प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, फिर आप देख लेना। तो इनकी संख्या की बात करें दोस्तों अपन, तो कितनी संख्या होती है दांतों की, संख्या यहां पर बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, दांतों की संख्या के बारे में कितनी होती है, लगभग 25 या 28, 25 से 28 बोल सकते हैं अपन दोस्तों इन दांतों की संख्या होती है। यानी कि दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 से 28। नॉट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगाते हैं, बालक का सर्वाधिक शारीरिक विकास खेल के मैदान में होता है दोस्तों। कहां पर होता है, खेल के मैदान में। यानी कि दोस्तों अपन बात करें यहां पर कि बालक का सर्वाधिक विकास आपको पता होगा, क्योंकि बालक जब बाल्यावस्था में आ जाता है शेष अवस्था से तो बाहर जाने लग जाता है, वो सारी बातें बताऊंगा मैं मानसिक में, कि बहिर्मुखी हो जाता है बालक, समूह के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, अलग अलग जाता है, साइकिल चलाने लग जाता है, तो दोस्तों वो खेलना शुरू सभी प्रकार के खेल खेल देता है 10 वर्ष की आयु में। यानी कि मैंने बताया था आपको टेन स्टेंग, आपको पता है ना दोस्तों 10 वर्ष का बालक सभी प्रकार के खेल खेल लेता है, यानी कि 10 स्टेन 10 आ रहा है। किसने कहा था दोस्तों, ये स्ट्रेंग ने कहा था। तो दोस्तों क्या होता है कि सर्वाधिक जो शारीरिक विकास होता है, खुलता है शरीर, तो वो कहां पर, खेल के मैदान में। और इसीलिए बोला जाता है दोस्तों बाल्यावस्था की सर्वाधिक प्रिय विधि कौन सी है, अगर उसको सिखाया जाता है तो वो खेल विधि है। कौन सी है दोस्तों, खेल विधि। और इसके प्रवर्तक मैंने आपको बताए थे दोस्तों, आप भूलना नहीं है, खेल के प्रवर्तक, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है आप मेरे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों कई प्रॉब्लम आ जाने के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई आ रही, समस्या आ रही, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी सी रखेंगे। कोई समस्या है दोस्तों, मुझे जाना पड़ेगा अभी यहाँ से, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। नेक्स्ट ऐसे ही एंजॉय के साथ दोस्तों, मेरा एंजॉय कम नहीं होगा कभी भी, पढ़ाते टाइम एनर्जी इतनी रखूंगा दोस्तों मैं, आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें दोस्तों, ऑनलाइन आते रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।